वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 34th गेट बाय नसीम खयाल फ्रॉम द बुक इंग्लिश फॉर अंडरग्रेजुएट. इट इज ट्रांसलेटेड बाय आसिफ फारूकी एंड शाह मोहम्मद पीरजादा. दिस इज द स्टोरी और इस स्टोरी के आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रॉम द स्टोरी और फिर हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन. सो दिस इज अ ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट. ठीक है, ये एक ऑफिशियल पावर होता है, मींस ये कोर्ट सिस्टम से रिलेट करता है या फिर हमारे ऐसे जो कि ऑफिशियल सिस्टम जो होते हैं उनसे ये कनेक्टेड होता है, जो कि जिनके पास राइट होता है लीगल डिसीजन करने का. ठीक है, Why do people refrain from reporting crime? So refrain is the meaning के जो लोग जो हैं वो crime करने से क्यों डरते हैं, क्यों पीछे रहते हैं. तो जो main reason अगर हम देखें crime की report करवाने से, ठीक है, तो हमें जो main reasons मिलती हैं, the common reason for individual not reporting crime including fear of not being believed, insecurity and fear of getting into trouble. These are the some reason that are most common of not reporting crime. ठीक है, so ये एक most common things हैं जो कि हर एक इंसान जो है डरता है, because उसे लगता है कि उसका ऊपर बिलीव नहीं किया जाएगा और वो खुद जो है मुश्किल में फंस जाएगा या फिर उसके लिए जो है इनसिक्योरिटी होती है. ठीक है, और अगर हम स्टोरी में देखें तो एक जो बंदा जो है वो जब पुलिस स्टेशन जाता है क्राइम रिपोर्ट करवाने, तो फिर पुलिस जो है उसे ही सस्पेक्ट करती है. ठीक है, और उसी के ऊपर जो है ज़्यादातर जो है ट्रबल काफ़ी मुश्किल आती है. ठीक है, तो इस स्टोरी से कनेक्टेड है कि जो मेन इशू है जो है नसीम खराल ने इसमें हाईलाइट किए हैं. ठीक है, वॉट इज़ द मेन मैसेज ऑफ नसीम खराल स्टोरी. ठीक है, तो उस स्टोरी का जो मेन मैसेज है अगर हम देखें तो वो क्या है. The main message of this story is the unlawfulness of our society and the insincerity of the people with their duties. ठीक है, सो अगर हम देखें तो स्टोरी में क्या हुआ था, जो पुलिस ऑफिसर्स थे या जो पुलिस स्टेशंस थे वो जो उस क्राइम को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, वो उसकी जो FIR जो है वो नहीं ले रहे थे, वो फिर जो है उस जो क्राइम जहाँ पर हुआ था उसको फिर शिफ्ट किए जा रहे थे. वो जो जो रिपोर्ट करवाने आया था क्राइम की, वो भी फिर जो है उसको जो है काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे थे. कभी वो दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहा था, कभी वो दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहा था. तो इस चीज़ से नसीम खराल ने क्या हाईलाइट किया है कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से जो लोगों की अहम ड्यूटीज होती हैं उससे वो इनसिंसियर होते हैं. ठीक है, वो अपने इस ड्यूटी से बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और फिर वो एक बिल्कुल भी एक राइट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं. ठीक है, very few people are responsible here, the majority of the people are taking the advantage of others' simplicity. If everyone here will become honest, then the name of our country will be present in the list of the most successful countries in the world. ठीक है, so this is the main thing के अगर हर एक जो है जिस तरीके से जो grad reader था जो कि जिसने crime की report करवाई थी, अगर उसकी तरह सब अगर इसी तरीके से sincere होंगे और honest होंगे तो हमारा जो country है वो successful countries में शामिल हो सकता है. Write this story briefly in your own words. ठीक है, so अगर हम इस story को briefly देखें तो ये क्या हुआ था. A government servant of the lower rank find a corpse of a young lady stuck in the 34th gate of Sakhar Barrage in his story, 34th door, and goes to the concerned officers. And then the police one by one report that the event. But they even keep on changing the position of the corpse from the 34th door to the 36th. And they give the reason that it is not their jurisdiction. When no one take the responsibility, he hand the corpse to the river at the mercy of the god. ठीक है, so जो एक servant था उसने जब वो उसने देखा एक डेड बॉडी को, एक यंग लेडी की डेड बॉडी को, तो जो कि 34th गेट पे मौजूद थी सखर बैराज के जो डैम था उसमें, लेकिन फिर जब वो पुलिस स्टेशन गया तो वो पुलिस ऑफिसर्स ने जो है उसकी जो पोजीशन चेंज कर दी, क्योंकि वो ताकि वो उनकी उनके ऊपर जो है ड्यूटी ना आ जाए उस केस को लेने की, और बिकॉज वो आउट ऑफ लिमिट हो रहा है 34 से 36 गेट पे, तो फिर वहाँ से उसे फिर दूसरे पुलिस स्टेशन जाना था. तो फिर जब वो दूसरे पुलिस स्टेशन गया कि वो उनकी रेंज में आ रही है, जब वो 36 पे मिली बॉडी,
तो वहां पर भी उन लोगों ने क्या किया, उस बॉडी की जो पोजीशन को चेंज कर दिया। और इसी तरीके से फिर जब दोबारा वो देखता है, तो फिर वो दोबारा 34th गेट पे होती है। देन इन द लास्ट वो क्या करता है कि वो गेट जो है वो खोल देता है, और लास्ट में वो क्या कहता है, आई सेंट इट ऑन द माइटी किंग हुज ज्यूरिसडिक्शन इज बिग फ्रॉम द सखर बराज हेयर टू द अरेबियन सी फार ऑफ। ठीक है, सो वो उन जब उसे पता चल जाता है कि उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है, देन ही हैंड इट टू द गॉड। ठीक है, तो वो जो है अपना जो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, और उसने जो है अब जो लास्ट फैसला जो था वो किसके ऊपर डाल दिया, अल्लाह के ऊपर। ठीक है, अब जो है हमें मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है। सेलेक्ट द मीनिंग दैट यू थिंक इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। व्हाट क्लूज इन द स्टोरी हेल्प्स यू मेक द करेक्ट गेस। सो द फर्स्ट वन इज बैराज। बैराज को अगर हम देखें तो ये एक टाइप ऑफ डैम होता है। ठीक है, नॉट बम्बारमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ बैरल्स इज नॉट द राइट वन, अ टाइप ऑफ डैम इज द राइट वन। द सेकेंड वन इज ब्रिज। ब्रिज का जो राइट ऑप्शन है वो गेप या फिर होल है। ठीक है, जो कि हमें अगर स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट से देखें, ऑब्स्टिनेट इज मीनिंग स्टबर्न, एंड द ग्वेज रीडर इज द वन हु मेजर द वाटर लेवल। द नेक्स्ट इज व्रेथ। व्रेथ इज मीन बाय एंगर। द पुलिस मैन सीइंग द ग्वेज रीडर विद अ व्रेथ, सो व्रेथ इज मीन एंगर। द फ्यूड। फ्यूड इज अ फ्यूडल लॉर्ड। फूड स्टोरेज। ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज और ग्रुप, सो फ्यूड मीन्स ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज और ग्रुप। दिस इज द लिटिल बिट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 34th गेट बाय नसीम खरा।